ये सेजल, सोने दो मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द है। तो हमेशा ये ड्रामा रहता है, कभी पेट में दर्द है तो कभी सर में दर्द है। पता नहीं कहां से उठा लाया इस बीमारी को। माँ जी, वो कल रात मेरी क्या वो लगा रखी है भाने खोर कहीं की। माँ जी अभी कर, रुक 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 भाई, पर अब क्या पूरी रसोई को नरक बनाने का इरादा है? जा पहले नहा करा, फिर रखियो पैर रसोई में। जी माँ जी। माँ, माँ क्या हो गया? कहाँ से लेकर आ गया उस गुंगी को, काम चोर कहीं की। हाँ बोलो। आज तुम ऑफिस से जल्दी आ सकते हो? क्या हुआ? वो माँ का फोन आया था, वो हम दोनों से मिलना चाहती है। सॉरी, मेरे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है। एक काम कर, तुम अपने भाई के साथ निकल जाना। मुझे पता था मुझे तुम्हें लेने आना ही पड़ेगा। अरे क्या करती, तुझे पता है ना तेरे जीजा जी किसी की सुनते ही कहाँ है। कभी ओला कर लो, कभी भाई को बुला लो, बस और आता ही क्या है। और जीजा जी कैसे हैं? ठीक है। हे भगवान, कोई कुछ करता क्यों नहीं? हे भगवान, क्या जमाना है। लोग क्यों इकट्ठा है? लोग नहीं, नामर्द लोग, कुछ बदमाश लोग मिलकर एक बेचारी लड़की को बुरी तरह मार रहे हैं। बेचारी, क्या जमाना आ गया है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। हे भगवान। सेजल, अरे सेजल कहाँ जा रही हो तुम? सेजल मेरी बात तो सुनो। सेजल रुको, सेजल, सेजल रुको, सेजल, सेजल मेरी बात तो सुनो। डाल डाल पेट्रोल, डाल इस पे डाल। आज उतारूंगा मैं तेरे प्यार का भूत। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, ये सब उस नीची जाति वाली लड़के के चक्कर में। और साला तेरा किस्सा ही खत्म कर डालता हूँ। ना रहेगा बास और ना बचेगी बांसुरी। लेकर दे। जान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तुम एक बेचारी लड़की पे खुलेआम अत्याचार कर रहे हो, ये कौन सी बड़ी जाति की निशानी है? Ah!
सेजल, सेजल मेरी बात। हाँ हाँ बना लो वीडियो, बड़ा मजा आ रहा होगा ना वीडियो बनाने में। मजा तो आएगा ही, बाद में ये वीडियो फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे ना तुम्हें, और कमेंट्स भी मिलेंगे। अरे तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से ही इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि ये खुलेआम दादागिरी करते हैं। अभी तो यहाँ कोई सामने नहीं आएगा, लेकिन बाद में कैंडल लेके बड़े बड़े जुलूस निकालेंगे, सरकार को दोष देंगे, पुलिस को दोष देंगे कि पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती, पुलिस के अंतर्यामी है। अरे तुम में से किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई कि पुलिस को फोन करके यहाँ बुला ले। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वीडियो बनाने में बड़ा मजा आ रहा है ना यहाँ पे, बना लो वीडियो। सेजल तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ मुझे कुछ हुआ, मैं ठीक हूँ। सेजल, सेजल मैंने टैक्सी बुला ली है, तुम एक काम करो, इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं अपनी बाइक पर पहुंचता हूँ। अरे तुम्हारी बाइक क्या कहीं भागी जा रही है? एक काम करो, एक टैक्सी और बुलवा लो। अरे मुझे टैक्सी की जरूरत नहीं, मैं अपनी बाइक से आ जाऊंगा। अरे तुम्हारे लिए नहीं, इन चौधरियों के लिए। चौधरी? ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की। और हाँ एक काम करना, पुलिस को भी फोन करके बुला। अम्मा बोलो। बेटा एक बात सुन, बेटा मेरे सैजल की एक वीडियो सेंड करी है, उसे देख तो एक बार। क्यों यो, कुछ नहीं, वीडियो देख तो पहले। ठीक है। और सुन, इस वीडियो के बारे में सैजल को कुछ भी मत बताइयो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आखिर कौन है ये लड़की, कहां से आई थी ये लड़की, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक अनजान लड़की नीलम की जान बचाई और उन चारों लड़कों को तराशाही कर दिया जो नीलम को जिंदा जलाना चाहते थे। बताया जा रहा है नीलम की जान बचाने वाली लड़की का नाम सैजल कुमारी है, जो 3 बार अपने कॉलेज में जूडो कराटे की चैंपियन रह चुकी है। देखिए किस तरह से सैजल कुमारी इन बदमाशों की अकेले ही पिटाई कर रही है, और ये देखिए वहाँ खड़े सभी लोग किस तरह से वीडियो बनाने में मस्त है, किसी एक ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो बीच बचाव कर सके। कैसे हुई ये पूरी घटना और कैसे सैजल कुमारी ने अकेले ही बहादुरी के साथ उन चारों लड़कों को धूल चटाई, इसके आगे की जानकारी हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सैजल, सैजल क्या हुआ? कुछ नहीं, वही पुराना सर दर्द। हाँ मैं बाम लगा देता हूँ। क्या हुआ? ये बर्तनों की आवाज कैसी? हाँ वो माँ बर्तन साफ कर रही है, माँ ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब।